जिले के प्राइवेट अस्पतालों पर होगी कार्यवाही, जनता पर हो रहा शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात रामपुर जिले के सीएम सुबोध कुमार शर्मा ने थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित हजरतपुर रोड पर मौजूद एक प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम आला हजरत है, एसडीएम और सीएमओ ने अपनी संयुक्त टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिस डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा था और जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी जानकारी ली तो वहां कोई नहीं मिला। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद अन्य स्टाफ भी मौके से फरार होता नजर आया। ये कोई नया एक अस्पताल नहीं है, जिले में ऐसे कई सारे प्राइवेट अस्पताल हैं जो रामपुर की जनता का शोषण करते आ रहे हैं। ये बात तो सीएमओ ने मौके पर मीडिया कर्मियों से कही। सीएमओ साहब, आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे छापा मारा है प्रशासन ने, हॉस्पिटल का स्टाफ जो पूरी तरह से फरार है, मरीज तड़प रहे हैं अंदर, क्या कहना चाहेंगे? आज आला हजरत हॉस्पिटल में छापा पड़ा है प्रशासन ने, और इस समय मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर आर के वर्मा के नाम से हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर साहब इस समय है नहीं। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मुख्य अतिथि डेथ में गए हुए हैं, और बाकी नॉन टेक्निकल स्टाफ यहाँ मुझे दिख रहा है, जो कह रहे हैं हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेंड स्टाफ यहाँ पे है नहीं। चार मरीज हैं जिनमें डिलीवरी हुई है और एक का सीजेरियन हुआ है। फिलहाल डिलीवरी वाले मरीज सेटल्ड हैं, वाले को हम महिला अस्पताल भिजवा रहे हैं। अच्छा, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि जिस तरह से स्टाफ जो है यहाँ का फरार है, तो कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटल जो है संदिग्ध है, कहीं ना कहीं दो नंबर से चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि स्टाफ कोई सामने आना नहीं चाहता, डॉक्टर भी सामने आता, अब डॉक्टर नहीं है तो हो सकता है उनके क्या सोच के गए, और अभी तो ये चेक करना भी है, शायद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह का देखा जाए जिले में और भी जो है, चाहे वो देहात हो चाहे और शहरी क्षेत्र में, और भी हॉस्पिटल चल रहा है प्राइवेट तरह के, तो उन पे क्या अब जो है जिस तरह की कार्रवाई की है, आगे और भी कार्रवाई होगी? इस तरह की कार्रवाई पहले भी हुई और आगे भी होती है। तो सर, ये जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इनको क्या मानक होता है? इसको मानकों के अनुरूप नहीं रजिस्ट्रेशन होता, क्या रजिस्ट्रेशन होता है तो मानक के अनुरूप होता है, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो मानक क्या क्या कमी है? इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तक मेरी जानकारी में। अच्छा, इस समय आपने हॉस्पिटल की जांच करी है, क्या कमी आपको मिली है? ये हॉस्पिटल देखिए, डॉक्टर तो क्वालिफाइड है, वन डिग्री इनकी चेक करी है मेडिकल काउंसिल से, ठीक है ना, लेकिन वो इस समय मौजूद नहीं है। कोई टेक्निकल स्टाफ पोस्ट ऑफ मरीज को देखने के लिए या बाकी जो बच्चे मरीज हैं उन्हें देखने के लिए कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा हॉस्पिटल के डॉक्टर की घोर लापरवाही मानी जाए? हाँ, ये लापरवाही पड़ेगी, मरीजों को किसी के तो भरोसे छोड़ के जाना चाहिए।